बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर दोनों के लिए लास्ट 4-5 डेज बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे हैं। फर्स्ट बिटकॉइन में 34,000 से 46,000 तक का ह्यूज जंप देखने को मिला। जितनी फास्ट बिटकॉइन के प्राइस में राइज आया, उतनी ही जल्दी इसने 46,000 को ब्रेक करने से रिजेक्ट किया। इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम BTC का चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड सेकंड हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज की। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 वीक पहले जहाँ क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की लग रही थी बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, वहीं लास्ट 4-5 डेज से मार्केट में बाइंग दिख रही है और मार्केट में अप ट्रेंड भी देखा गया है। अगर वहीं हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को देखे तो पूरी तरह से क्लैप्स होते दिख रहे हैं। जैन में जहां हमारा निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई 18,250 के लेवल पर था, वहीं रिसेंटली ये 16,200 के लेवल को टच कर रहा है। जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, बिटकॉइन के प्राइस में रैपिड ड्रॉप देखने को मिला और $36,000 के लेवल को ब्रेक कर गया। बट 34,000 का सपोर्ट लेवल बिटकॉइन के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर बिटकॉइन इन लेवल को होल्ड नहीं कर पाता तो मार्केट में एक्सट्रीम सेलिंग देखने को मिलती। बट जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो बिटकॉइन के चार्ट पर हमें देखने को मिला। ह्यूज वॉल्यूम के साथ बिटकॉइन के प्राइस में बाइंग देखने को मिली। 50 DMA को भी BTC ने ब्रेक किया और फिर से BTC ने $46,000 के रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया, जो बिटकॉइन के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और 100 DMA भी उसी के अराउंड है। एक बार फिर से बिटकॉइन रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने में फेल रहा है और उसके बाद फिर से मार्केट में करेक्शन आया और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 41,000 लेवल के अराउंड। लास्ट ईयर फेब के बाद से बिटकॉइन का ये जंप सबसे बिगेस्ट जंप रहा है। मार्केट में इतनी बाइंग प्रेशर के पीछे भी यूक्रेन रशिया कंफ्लिक्ट ही है। US एंड वर्ल्ड की अदर कंट्रीज रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रही है, जिसकी वजह से रशियन करेंसी में बहुत गिरावट देखने को मिली है और वहाँ के लोग बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो में बाइंग कर रहे हैं। बट रियल में ऐसा नहीं हुआ है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। चार्ट पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन एक्युमुलेशन पैटर्न को। 45,000 से 46,000 की रेंज में सेलिंग प्रेशर आता है और 34,000 से 35,000 की रेंज में बाइंग प्रेशर को आप देख सकते हो। उसके अलावा चार्ट पर बिटकॉइन ने हायर लो भी बनाया था लास्ट टाइम। अगर बिटकॉइन को कंटिन्यू अप ट्रेंड में बने रहना है तो हायर लो बनाना चाहिए इस बार भी, चार्ट पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट कुछ वीक से मार्केट बहुत वोलेटाइल दिख रहा है चार्ट पर, और मार्केट में जब भी कोई सडनली राइज देखने को मिलता है तो मार्केट उसे करेक्ट करने जरूर आता है, जो आप चार्ट पर देख सकते हो इस टाइम। ये था दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस एंड मार्केट अपडेट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। फर्स्ट न्यूज है रशियन क्रिप्टो वॉल्यूम अक्रॉस मेजर एक्सचेंज प्लंग बाय 50% डिस्पाइट एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन रशिया। द अमाउंट ऑफ क्रिप्टो बीइंग परचेज्ड इन रूबल अक्रॉस मेजर एक्सचेंजेस कंटिन्यू टू फॉल। जैसा कि सभी एक्सपर्ट कह रहे थे लास्ट कुछ टाइम से, क्रिप्टो का यूज रशिया सैंक्शन से बचने के लिए कर सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये थ्योरी एक्सपर्ट की फेल हो गई है। चैन एनालिसिस का डाटा शो कर रहा है रूबल डिनोमिनेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम हाफ हो गया है। 1 वीक पहले 24 फेब को 70.7 मिलियन के राउंड था, बट राइट नाउ 34 मिलियन के राउंड रह गया है। सिटी ग्रुप के एनालिस्ट ने एक इंटरव्यू में कहा है रशियन क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल नंबर में है और जो प्राइस एक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है उसके पीछे का रीजन है कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा था रशिया सैंक्शन से बचने के लिए क्रिप्टो का यूज कर सकता है, जिसके कारण मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और इस थ्योरी के बेस पर इन्वेस्टर बाय कर रहे थे, जिससे बाइंग तो आई मार्केट में बट रशिया से वैसे डिमांड देखने को नहीं मिली। सेकंड न्यूज है बाइनेंस CEO कॉल्ड टोटल बैन ऑन रशिया यूजर अनएथिकल। बाइनेंस के CEO ने ब्लूमबर्ग के साथ हुए इंटरव्यू में ये कहा है कि बाइनेंस एक्सचेंज रशियन यूजर को कम्प्लीटली बैन करने से मना कर दिया है और कहा है ये टोटली अनएथिकल है। नेक्स्ट न्यूज है लुगानो इंट्रोड्यूस बिटकॉइन टेदर LVGA एज लीगल टेंडर। लुगानो इज फॉलोइंग एल सेल्वाडोर फुटस्टेप इन इंट्रोड्यूसिंग बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। टेदर एंड LVGA विल आल्सो बी ऑफिशियल करेंसी इन द स्विस सिटी एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट ऑफ ब्लॉकचेन। एल सेल्वाडोर को देखते हुए लुगानो भी बिटकॉइन टेदर LVGA को अपनी ऑफिशियल करेंसी बना रहा है इन अपकमिंग फ्यूचर। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्रिप्टो स्पेस के लिए। डे बाय डे मोर कंट्रीज में ऐसा होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है हैकर स्टील NFT मंकीज ऑन टॉप इथेरियम लेयर 2। एन एक्सप्लोइट इन द ट्रेजर मार्केटप्लेस कोड लेट द हैकर एक्वायर NFT विदाउट पेइंग फॉर देम। हैकर्स ने मंकी NFT स्टील कर ली है, वो भी बिना कुछ पे किए। हैकर्स पूरी तरह से NFT मार्केटप्लेस को एक्सप्लोइट करने में लगे हुए हैं। थोड़े थोड़े दिनों में हमें ऐसी न्यूज देखने को मिलती रहती है, जिससे NFT यूजर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है।
नेक्स्ट न्यूज है ओपन सी अपडेट बैन कंट्रीज लिस्ट स्पार्किंग डिसेंट्रलाइज्ड डिबेट। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनएफटी मार्केटप्लेस हैड कंफर्म दैट इट ब्लॉक यूजर बेस्ड ऑन द यूएस सैंक्शन लिस्ट। ओपन सी भी अब यूएस की बिग आईटी कंपनी की तरह वर्क कर रही है। यूएसए ने ईरान पर कई तरह के सैंक्शन लगा रखे हैं और इसी के चलते ओपन सी ने वहां यूजर्स के अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए हैं। डिसेंट्रलाइज का कंसेप्ट यही है कि कोई गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, बट ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है ग्राउंड पर। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है एनएफटी से रिलेटेड। 6 बिग कंपनीज टू लॉन्च एन एनएफटी मार्केटप्लेस, जिसमें इंक्लूड है रेडिट, रेकुटिन, कॉइनबेस, इंस्टाग्राम, गेमस्टॉप एंड लास्ट एसोसिएटेड प्रेस। ये सभी कंपनीज अपना एनएफटी मार्केटप्लेस लॉन्च करने के लिए रेडी है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है एनएफटी स्पेस के लिए। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।